रतन जी बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। अभी ये कोरोना का चल रहा है और लॉकडाउन का फेज है, एक तरह का अनसर्टेनिटी है दुनिया में, पता नहीं क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ घटना हो रहा है। इस बीच में मैं अभी राहुल संकेतन पे कुछ चीज पढ़ रहा था, वैसे भी बुद्धिज्म पे मैं काफी कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं इंटरनेट में ऐसे सर्च कर रहा था, चीजें देख रहा था राहुल संकेतन पे, तब अचानक से मैं देखा इंटरनेट में आपका एक आर्टिकल मुझे मिला, जो राहुल अच्छा संकेतन और केपी जायसवाल के बीच का जो उनका जो संबंध था उस पे मुझे मिला, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि आप और हम काफी दिन से एक दूसरे को जानते हैं, बट आई थिंक वी नो मोर एज एन एक्टिविस्ट, है यस ना। हम लोग फ्रंट पे मिले हैं, मोर्चे पे मिले हैं काफी बार, हालांकि दिल्ली हाँ यूनिवर्सिटी में दोनों हम लोग एकेडमिक्स है तो, बट नॉट एज लाइक वो जो एकेडमिक के लेवल पे नहीं, लेकिन एक्टिविस्ट के लेवल पे हम जानते थे आपको, तो हमें जी बहुत अच्छा लगा कि आपने काशी प्रसाद जायसवाल जैसे व्यक्तित्व पे आपने काम किया है, तो मुझे जी लगा अरे ये तो अपना ही रतनलाल जी हैं, तो मैं अपने छोट एकेडमिक काम के बारे में बहुत चर्चा नहीं करता। वही तो मुझे आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बोलते हैं ना, तो हाँ इसमें थोड़ा भूमिका ये है रतन जी, आपसे आपका बात बहुत सुनेंगे अभी इस पे आके, लेकिन मेरा जो एक पर्सनल जो ये था इसमें कि देखिए मैं आप देखा कि आपने पीएचडी किया है काशी प्रसाद जायसवाल पे और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से किया, जी जब मैं जेएनयू में था जब मैंने डिजर्टेशन किया अपना एमफिल का डिजर्टेशन, तो जी जब डिजर्टेशन खत्म होने के बाद एक वक्त आता है ना कि आप प्रीफेस लिख एक्नॉलेजमेंट्स लिखते हैं, लोगों को थैंक यू बोलते हैं, किस किसने आपको मदद किया, तो जब जी डेडिकेशन का बात आया तो मुझे लगा आई वांट टू डेडिकेट इट टू राहुल संकेतन। ओह ग्रेट तो उसमें एक चीज ये था कि जो जेएनयू को तो बहुत बड़ा वामपंथियों का यूनिवर्सिटी बताया जाता है, लेकिन मुझे लगा कि जैसे राहुल संकेतन जैसे लोग हुए, काशी प्रसाद जायसवाल जैसे लोग हुए, उसपे मुझे जेएनयू का माहौल में कहीं चर्चा नहीं दिखा मुझे, और राहुल जी संकेतन का तो मुझे पता था उस टाइम, केपी जायसवाल के बारे में पता नहीं था मुझे उस टाइम, तो राहुल संकेतन के बारे में जेएनयू के वामपंथी लोग बोलते थे हाँ वो हिंदी के बड़े लेखक हैं, उतना तक ही सीमित करके उनको रख दिया था। तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रह के आपने काशी प्रसाद जायसवाल पे काम किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो ये चीज, दूसरी बात क्या है कि जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, मैंने भी जेएनयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वो प्रोफेसर माजिद सिद्दीकी होते थे, वो मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट करके एक कोर्स कराते थे वो, है ना, तो वही सबाल्टर्न स्टडीज का डिबेट होता था, फिर ईपी टॉम्सन और एल्थुजर का डिबेट होता था, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का डिबेट होता था, तो कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे लोग एक तरह का एक फिक्स्ड एक फ्रेमवर्क में फंसे हुए हैं, है ना, तो यहाँ के जो लोग थे वो एक खास तरह का ट्रेडिशन से जो लोग एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल टाइप का जो बोलते हैं, यहाँ का जो भारत का जो ट्रेडिशन के साथ पूरा एंगेज किया है, हिस्ट्री के साथ एंगेज किया है, जो जिसमें जो हम पाते हैं राहुल संकेतन में या काशी प्रसाद जायसवाल पे, उस पे यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है इवन वामपंथी यूनिवर्सिटियों का, उसमें कहीं ना कहीं इसको जगह नहीं दिया जाता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है काफी दिन से। तो जब मैंने देखा कि आपने पीएचडी किया है हिस्ट्री डिपार्टमेंट में रह के काशी प्रसाद जायसवाल पे, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आपने ये काम थैंक किया, यू तो आप कैसे इस पे आए, हाउ डिड यू चूज अ टॉपिक लाइक दिस, व्हाट वाज इट दैट इंस्पायर्ड यू टू डू वर्क ऑन काशी प्रसाद जायसवाल, तो थोड़ा वहां से बताइए फिर आगे और सुनेंगे आपसे। देखिए, एक तो मैं तीन मंत्र में मैं विश्वास करता हूं, तीन सूत्र में। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ लीडर देन यू हैव टू बी अ गुड फॉलोअर। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ स्पीकर, वक्ता अच्छा बनना है तो पहले अच्छा श्रोता बनना है। इफ यू वॉन्ट टू बिकम रिसर्चर, गुड स्टूडेंट, रिसर्चर बनना है तो पहले अच्छा छात्र बनो। तो मैंने कुछ नहीं किया, पीएचडी करना था, मैं अपने गुरु जी के पास गया, श्रीमाली प्रोफेसर के एम श्रीमाली, आप जानते होंगे उनको, इतिहासकार हैं। और डी एन झा के साथ मैंने एमफिल किया था, वो रिटायर हो गए, तो पीएचडी मैंने श्रीमाली जी के साथ। तो मैंने कहा कि मुझे पीएचडी करना है, तो उन्होंने पूछा कि कोई टॉपिक सोचे, और मैंने ये टॉपिक सोचने का मेरा काम नहीं है,
आप जो टॉपिक बताएंगे उसी पे हम करेंगे। तो हाँ ही हाँ ही सजेस्टेड मी, उन्होंने अपना काशी प्रसाद कॉमेमोरेशन वॉल्यूम निकला था पटना से 1981 में, ही गेव मी दैट एंड बोले कि जाके इसको पढ़ो और प्रपोजल तैयार करो। तो उन्हीं के कहने पे मैंने एक काम शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने से कहाँ तलाशूंगा। अगर गुरु कोई सुपरवाइजर कोई टॉपिक देता है तो उनके जहन में कोई बात होती है कि इस पे क्या काम हो सकता है। तो एज बिल्कुल ए ओबीडियंट स्टूडेंट मैं जाके पढ़ना शुरू किया और वहीं से मेरी शोध यात्रा काशी प्रसाद जायसवाल पे शुरू हुई। बहुत एक लंबे समय पढ़ाने के बाद, तकरीबन 13 साल पढ़ाने के बाद, मैंने 2010 के अंतिम दिनों से पीएचडी शुरू की। 2014 में मैंने सबमिट किया, 15 में अवार्ड हुआ और 15 के बाद जो हूँ आपके सामने हूँ। चार, लेकिन एक बात है, हाँ करीब 3.5 साल मैं पूरा एकांतवास में रहा। अगर आप मेरे अच्छा पूरे एक्टिविज्म के करियर को देखेंगे तो हाँ आपको 10 अक्टूबर मतलब 11 से लेकर और 14 तक आपको हम कहीं नहीं दिखेंगे, एकदम वैक्यूम दिखेगा, कहीं मिलेंगे ही नहीं आप। तो मैंने पूरा अपने आप को बंद कर लिया, ओनली लाइब्रेरी आर्काइव कंप्यूटर, और उस समय हाईटेक मोबाइल भी नहीं था, तो जैसे तैसे फोटो वोटो खींच के लाते थे। तो इस तरह से काम किया और मजा आया, आई एंजॉयड इट, और कुछ नया चीज एक्सप्लोर करने का हमको मौका मिला। जी तो फिर जायसवाल पे थोड़ा बताइए, क्योंकि एक तो चीज जैसे यहाँ पे मेरे पास हिंदू पॉलिटी इनका जो है बहुत जी ही इनका फेमस काम है ये, मैं भी पढ़ता हूँ इस चीज को, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कितना पढ़ाया जाता है उसका मुझे ज्ञान नहीं है, हो सकता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इन्होंने एक छोटा सा रीडिंग के हिसाब से रखा हाँ, होगा आप उसका पन्ना लेकिन उलटिए, वो किताब शुरू करने से पहले वो जो लिखते हैं कि जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए समर्पित। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है कि टू द मेमोरी ऑफ द रिपब्लिकन यस व्रिस्नीज कथाज वैसलाज एंड साकियाज हु अनाउंस्ड फिलोसफीज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम जी देवाज देवाज डेथ क्रुएल्टी एंड कास्ट। यस क्रुएल्टी ऑफ फ्रॉम कास्ट। हाँ तो ये आपने सही कहा था। नहीं तो रतन जी मेरा जो इंटरेस्ट है और ये जो चैनल जिसमें हम लोग ये कर रहे हैं, इसमें पहले हमने कबीर पे भी डिस्कशन किया, पैट्रिक ऑलिवेल का जो एंशिएंट इंडिया पे भी ये है और बुद्धिज्म को लेके भी ये इंटरेस्ट है, तो एक तो मैं ऑलरेडी एक चीज फ्लैग कर दूँ, काफी सुनेंगे, एक जो क्रिटिक, जो पहले मैं क्रिटिक बता देता हूँ ताकि आप फिर अपने हिसाब से आप उसको आगे लेके जाइए, कि बुद्धिज्म को लेके जो डिबेट है हिंदुस्तान में उसको लेके कांचे इलाइया और बाकी लोगों ने ये बताया कि केपी जायसवाल जी ने जो रिपब्लिक का जो ट्रेडिशन रहा, जो राइट्स का एक फ्रीडम का एक तरह का जो एंटिक्विटी में प्राचीन भारत में जो एक ट्रेडिशन रहा वो बौद्ध धर्म के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो कह रहे हैं केपी जायसवाल ने जो बौद्ध धर्म से जो लिया गया उसको वो हिंदू करके दिखाते हैं करके कांचे इलाइया का कहना है ना, तो मुझे लगा उनका एक फैक्चुअल, एक नैरो फैक्चुअल लेवल पे तो बात सही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा नैरो से देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये बात जायसवाल को बोला जाए तो वो असहमत नहीं होंगे, वो शायद मान लेंगे इस बात को, तो मुझे लगता है कि जो 1900 अर्ली 19 सेंचुरी में 1910 1915 1920 उस टाइम में जब ये लोग लिख रहे थे, वो जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की जो कॉलोनियल जो एक नैरेटिव बना था कि भाई हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी का कोई ट्रेडिशन नहीं है या रिपब्लिक का कोई ट्रेडिशन नहीं है, यहाँ तो वही सामंती परंपरा है, राजा महाराज जी हुजूर सरकार करने का ट्रेडिशन है, उसको चैलेंज करते हुए जायसवाल ने अपना बात रखा होगा, तो उस टाइम का हम देखेंगे डिबेट, तो हो सकता है कि ये कहना और या हिंदू पॉलिटी इस टाइप का एक टाइटल देना भी हो सकता है कि उसका एक अपना महत्व था, है ना, क्योंकि आपका जो काम है रतन जी आपने लिखा है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन करके आपने लिखा है, तो आपने क्या सोच के आपने उसको लिखा था, आप थोड़ा उस पे खुल के बताइए, हम लोग सुनेंगे। उसमें सिंगल कोट में है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, नेशनलिस्ट हाँ जो अच्छा, लिखा तो हुआ कोर्ट में उस डाला आपने। हाँ कोट में डाला है, और मैं किताब दिखाता हूँ, ये देखिए,
ये मेरी पीएचडी थीसिस जो रिवाइज करके मैंने बुक निकाली थी, तो हाँ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन इस नेशनलिज्म सिंगल कोट में है, नेशनलिस्ट सिंगल कोट में है कि उनका ओ अच्छा अच्छा राष्ट्रवाद, अच्छा हाँ राष्ट्रवाद का डिफरेंट मायने है, परिभाषा है, तो उनका हाँ राष्ट्रवाद जो एक्चुअली राष्ट्रवादी इतिहासकार उन्होंने कभी अपने आप को लिखा नहीं, वो हिस्टोरियन एज अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन लिखते थे। अच्छा तो अच्छा 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 बाद के जनरेशन के जो हिस्टोरियन सब थे उन्होंने उसको उनको नेशनलिस्ट हिस्टोरियन का जो है तगमा चस्पा कर दिया, उस लगा दिया कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, अच्छा 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 तो अच्छा ही नेवर हाँ मेंशन दैट, कभी उन्होंने कहा नहीं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। हाँ लेकिन हाँ चूंकि हाँ उनका जो राइटिंग का जो पूरा जो कैरेक्टर है, जो नैरेटिव बनता है, तो वो अर्ली नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में उनको रखा जाएगा। कि जैसे कॉलोनियल राइटिंग के पूरे जो काउंटर में एंटीथेसिस में जो राइटिंग इमर्ज कर रहा था, तो उसमें काशी प्रसाद जायसवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कि उनकी हिंदू पॉलिटी बहुत ही मतलब लैंडमार्क है। और कहते हैं कि आर एस शर्मा ने भी मेंशन किया है कि इट वाज कंसिडर्ड बाइबल फॉर द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, मीट एनी ओल्ड मैन, उनके सबके पास ये हिंदू पॉलिटी होगी। तो जायसवाल उस समय इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को एज अ प्रोफेशनल हिस्टोरियन इस्टेब्लिश कर चुके थे, लेकिन वो जो राइटिंग में कभी नहीं कहता कि मैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हूँ। उनके राइटिंग्स के बेसिस पर, चूंकि कॉलोनियल राइटिंग था, उसके एंटीथेसिस में भंडारकर तमाम कई लोग लिख रहे थे, उसमें काशी प्रसाद जायसवाल एक प्रोमिनेंट नाम है, तो उनको बाद के हिस्टोरियंस ने उनको नेशनलिस्ट करार दिया। और दिलचस्प है कि आपने एक जो शुरुआती चर्चा की है वो दिलचस्प है कि काशी प्रसाद जायसवाल कहाँ भुला दिए गए। ये हो सकता है कि लेफ्ट हिस्टोरियंस ने भी थोड़ा बहुत अगर लिखा भी है तो लेफ्ट हिस्टोरियंस ने भी लिखा है ना। आर एस शर्मा ने बहुत ही कोट किया है इनको, और पूरा जो उनका एंशियंट इंडियन पॉलिटी वाली जो किताब है, पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन एंशियंट इंडिया, उसमें बहुत उन्होंने कोट किया है के जायसवाल को। लेकिन वो जिस राष्ट्रवाद की तरह वो बात कर रहे थे, हमको लगता है कि उनको कई जगह हर जगह से उनको इग्नोर कर दिया गया, हिस्ट्री राइटिंग से लेकर। और आप एक बात मानेंगे, ही वॉज अ मल्टीलिंगुअल कॉस्मोपॉलिटन स्कॉलर, वो पहले हिंदी में लिखते थे और उनके हिंदी राइटिंग से कलेक्शन मैंने छापा है 3 वॉल्यूम। आपने कहा तो मैं दिखा देता हूँ इसे, मैं ये तीन अच्छा वॉल्यूम में उनकी हिंदी राइटिंग्स का कलेक्शन है। और उस समय 17 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिए थे हिंदी में, और पहले ऐसे लोगों में से थे जो हिंदी की बात करते थे, हिंदी हिंदू वाली बात परंपरा में आते थे। लेकिन पता नहीं हिंदी हिंदू वालों ने भी इनको भुला दिया, न तो साहित्य अकेडमी न तो साहित्य अकेडमी ने इनके ऊपर कोई काम किया। 1950 में इनके नाम पे केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी, वहां भी इनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाकी इनके आसपास इनके जितने, जैसे राहुल सिंह सांकेतान काशी प्रसाद जायसवाल को बड़े भाई मानते थे, लेकिन राहुल सांकेतान के तो सारे राइटिंग्स पब्लिश हो गए, इतने सारे लोग 500 पीएचडी हो गए, हर साल सेमिनार संगोष्ठी होता है। लेकिन आप जायसवाल को पढ़ेंगे तो जायसवाल वॉज बेसिकली इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स, वो दिनकर को, राहुल सांकृतायन को, इन लोगों को अपने घर पे रखते थे और उनको फंडिंग तक करते थे, खाना पीना रहना तो छोड़ दीजिए। और राहुल के राइटिंग्स में अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार लिखते हैं कि वो मेरे खाने पीने से लेके कैमरा तक का जो है इंतजाम जायसवाल करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो तिब्बत जो गए थे राहुल, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन तिब्बत जाने का खर्चा किसने दिया था? उनको मैन्युस्क्रिप्ट को बिहार रिसर्च सोसाइटी में किसने रखा था, इसको पब्लिश किसने किया था, उस पर बात नहीं होती, उस पर कभी बात नहीं होती। इट वॉज केपी जायसवाल हु स्पॉन्सर्ड द एंटायर टूर। उसके उस समय केपी जायसवाल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के एडिटर थे जनरल के, और पटना म्यूजियम के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने उनके सारे मैन्युस्क्रिप्ट को वहां से पब्लिश कराया, उसको म्यूजियम में स्पेस दिया, तमाम काम किया। क्वेश्चन अराइजेस कि अगर आप कहें कि वामपंथी ने उनको साइडलाइन कर दिया, तो फिर कांग्रेसी क्या कर रहे थे, फिर भाजपा की सरकार है वो क्या कर रहे हैं? तो इनको हर तरीके से, जैसे मैंने तो कई प्रपोजल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आई जस्ट वांट टू पब्लिश द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ केपीजे। साहित्य अकेडमी को 2 बार हमने दिया प्रपोजल कि हिंदी पे एक मोनोग्राफ लिखना है, लेकिन वो नहीं देते हैं परमिशन, वो नहीं देते हैं अप्रूवल। या फिर भारत की अभी भाजपा सरकार है, राइट विंगर है, और उनके पितामह हैं
काशी प्रसाद जायसवाल आरएसएस के बनने से पहले पूरा फाउंडेशन ही तैयार कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक पर्चा तक नहीं लिखा है, और हम अगर प्रपोजल भी देते तो उसमें चर्चा भी नहीं होती। बात समझना पड़ेगा कि भारत में जाति को हटाकर जो है ना आप चर्चा करेंगे ना, इसका मतलब आप आधे अधूरे बात पे चर्चा कर रहे हैं। जायसवाल वॉज बैकवर्ड, ही वॉज तलवार, पहले जो शूद्र ब्राह्मणिकल लिटरेचर में शूद्र कहा गया, ही वॉज ए बैकवर्ड। जायसवाल को पढ़ेंगे उस समय के जितने लेजेंडरी लोग सब थे, चाहे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, राजेंद्र प्रसाद हो, गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, जायसवाल को थ्री इंटरनेशनल कहते थे सब, दुनिया भर में इनकी किताबें चलती थी। लेकिन भारत में यही विडंबना है, अम्बेडकर क्यों नाराज रहे लोगों से, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में भी आपको एक खास जाति के होंगे तभी आपको रिकग्निशन मिलेगी, अदरवाइज आप अखबार में एक पैराग्राफ लिख के आप स्कॉलर बन सकते हैं, टाइप किताब लिख के स्कॉलर बन सकते हैं, दर्जनों किताब लिख के हम लोग, हमारे जैसे लोग छोड़िए, हम लोग तो अभी बहुत ही नए हैं इस फील्ड में, ये पूरा आप समझिए। इसलिए राष्ट्रवाद सिंगल कोट में इसीलिए लगाया गया है कि किसका राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, इस राष्ट्र में ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार के लिए भी जगह नहीं जो कि हिंदू राष्ट्रवादी इतिहासकार, तो क्यों जगह नहीं है ये तो बताना चाहिए मोहन भागवत को, नरेंद्र मोदी को। इसीलिए सिंगल कोट में नेशनल हिस्टोरियन नेशनलिज्म सिंगल कोट में रखा हुआ है कि इसको डिफरेंट मीनिंग्स हैं एंड दैट वी हैव टू डिसाइफर, दैट वी हैव टू रीड। तो हिंदी उर्दू वाला डिबेट में ये हिंदी के पक्षधर थे, मतलब थोड़ा लोकल लोकल हिंदी, नहीं नहीं लोकल हिंदी का वो बहुत ही मिक्स्ड भाषा के पूरे पक्षधर थे, कि वो भाषा के शुद्धता पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। शुरू के दिनों में देखेंगे तो उनको लगता है कि बालकृष्ण भट्ट का उन पे प्रभाव है जब वो 17 साल के हैं, लेकिन ये व्यक्ति पहले इनको समझना पड़ेगा पूरे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। 1905 में 25 साल 24 साल की उम्र में ये जाते हैं इंग्लैंड पढ़ने, ऑक्सफोर्ड। ही वॉज ऑक्सफोर्ड बैरिस्टर थे बाई प्रोफेशन, वहाँ हिस्ट्री में एम ए किया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट चाइनीज ये डेविस स्कॉलरशिप फॉर चाइनीज लैंग्वेज इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चाइनीज भाषा सीखने के लिए पहले इंडियन थे जो जिनको स्कॉलरशिप मिला था, तो ये वहां से लॉ किए थे लिंकन से, ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स इन हिस्ट्री, फिर चाइनीज लैंग्वेज सीखे थे। सोचिए 1905-6 में वो आदमी एक बैकवर्ड कम्युनिटी का आदमी जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है, लेकिन उससे भारत में पिछले 70 साल में कोई चर्चा नहीं है। 100 साल 1937 में उनका डेथ होता है। ही वॉज इंस्टीट्यूशन बिल्डर, उन्होंने पटना म्यूजियम बनाया, उन्होंने बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी में वन ऑफ द क्रूशियल मेंबर, तमाम इस तरह की संस्थाएं आप देखेंगे, भारतीय इतिहास परिषद की उन्होंने फाउंडेशन रखा था, लेकिन वो कहीं चर्चा ही नहीं है, नोबडी नोज अबाउट हिम। तो ये वो ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, वहां से हिंदी में लिखते थे, और हिंदी में सरस्वती में पब्लिश होती थी उनकी, सरस्वती उस समय की बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी की पत्रिका थी, और रामविलास शर्मा ने लिखा है कि सरस्वती हिंदी नवजागरण का मुख पत्र था, माउथपीस था हिंदी नवजागरण का, और उसमें छपना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो काशी प्रसाद जायसवाल पे उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादकीय लेख लिखे थे, उनके फोटो छापे थे, उनके लगातार लेख छपते थे, तो वो जायसवाल का एक इवोल्यूशन भी है भाषा को लेकर समझ, धीरे धीरे उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो पहले तो थोड़ा शुद्धता, पहले थोड़ा सा आपको दिखेगा कि उसमें हिंदी विशुद्धता के पर्शियन वर्ड नहीं रहने चाहिए, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो हिंदी उर्दू की वकालत भी करते हैं। बात ये, वो आपको मैं बता दूं, वो अखबार भी निकालते थे पटना से हिंदी। जब इंग्लैंड से लौट कर आए 1912-10 में, तो उस समय इंग्लैंड में चूंकि ये सावरकर, हरदयाल और सावरकर वाले ग्रुप में शामिल हो गए थे, रिवोल्यूशनरीज वाले ग्रुप में, तो इनका ही वॉज कंसिडर्ड हुज हु, 100 लोगों में इनका भी नाम था। अगर कॉलोनियल फाइल्स देखेंगे तो इनको लिखता है सीआईडी कि ही इज द क्लेवरेस्ट इंडियन ऑफ द प्रेजेंट टाइम, काशी प्रसाद जायसवाल। तो कॉलोनियल राइटिंग से मैंने देखा कि बहुत ही किस तरह से इनको पूरा हर समय पुलिस सर्विलेंस इनके ऊपर रहता था। जब लौट कर आए तो पहले कलकत्ता में प्रैक्टिस किया, तो पुलिस वहां सर्विलेंस रखती थी, फिर वहां से जब पटना बिहार का डिविजन हुआ तो ये पटना लौट कर आए 12 में, पुलिस बहुत तंग करती थी, फाइनली जाके सेटल डाउन हुए 1914 में पटना में, एंड उस समय उन्होंने एक्टिविज्म छोड़ दी थी, अपने आप को लीगल प्रैक्टिस में एस्टैब्लिश किया, एज ए प्रोफेशनल हिस्टोरियन एस्टैब्लिश किया।
उनकी किताबें लोग चर्चा नहीं करते हैं, मनु याज्ञवल्क्य, इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिंदू पॉलिटी, तमाम ऐसी किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसमें विंसेंट स्मिथ ने डार्क एज कहा था इंडियन एक फेज को, उसका रिबटल है वो किताब, न तो वो रीप्रिंट हो रही है न उस पर कोई काम हो रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद जिंदाबाद के नारे जरूर लग रहे हैं। तो भाषा को लेकर और जसवाल में वो कट्टरता नहीं है भाषा को, है ना, वो फ्लेक्सिबल भी है। तो इंग्लैंड से आने के बाद 1914 में एडिटर होते हैं, पाटलिपुत्र वीकली निकलती थी, वो मार्वेलस अखबार था, मतलब जब तक एडिटर रहे जसवाल वो पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर बॉम्बे तक अखबार जाती थी, वो वीकली थी। तो उसमें देखिएगा तो बहुत बेहतरीन बातें मिलेंगी आपको, वो हर समय लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। अच्छा। अगर मिथिला के मैथिल मैथिल में ही लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी उसमें नहीं थोप सकते हैं, ये बात, ये सब बातें हैं। तो ही वॉज वेरी डेमोक्रेटिक, और इंग्लैंड में रहने के बाद जाहिर है कि वहाँ के लिबरलिज्म का एक इम्पैक्ट उनके ऊपर रहा ही होगा। तो जेंडर, मतलब बहुत सारे इश्यूज पे बहुत उनका लिबरल अप्रोच है, बहुत रिजिड नहीं। और आप हिंदू धर्म को लेकर अगर देखिएगा आप, तो इतने देवताओं के ऊपर उन्होंने जोक्स बनाए हैं, इतने कटाक्ष ले, राहुल सांकेतन और दिनकर ने खूब चर्चा किया है, इतने देवताओं को ये आलोचना करते हैं, वो एक तरह से मानते वानते नहीं थे, कहने के लिए हिंदू थे, लेकिन बहुत आलोचना उन्होंने की देवताओं, हिंदू धर्म का बहुत माखौल उड़ा है। तो ये दोनों देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्मोलॉजी वो ले रहे हैं हिंदू ले रहे, क्योंकि जो कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग था उसमें डिविजन क्या था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश, इन लोगों के पास कोई नई टर्मोलॉजी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वही टर्मोलॉजी को बोरो कर लिया। लेकिन वो हिंदू नहीं थे जो आज के हिंदू, जैसे हिंदू में कट्टरतावाद चल रहा है, उन्होंने हिंदू धर्म, वो तो राहुल सांकेतायन वो कहते हैं कि मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं बौद्ध बन जाऊं। इसीलिए वो किताब का मैंने प्रीफेस के पहले मैंने पढ़वाया कि वो जाति मुक्ति के लिए वो किताब लिख रहे हैं, जाति मुक्त भारत चाहते थे वो। तो ये दिलचस्प है, और राहुल भी जाति के खिलाफ आंदोलन किए, जायसवाल भी थे, तो वो चूंकि टर्मोलॉजी उनके पास नहीं था, प्रिसाइजली दैट इज व्हाई ही चोज हिंदू वर्ड, अदरवाइज उनके लिए हिंदू वर्ड जो है ना वो हिंदू नहीं है जो काशी प्रसाद जसवाल समझ रहे थे। बहुत वो नेशनलिस्ट मूवमेंट का टाइम था और पूरा लोगों को मोबिलाइजेशन मोबिलाइज करना था, तो कॉमन टर्मोलॉजी जो चल रहा था उसी टर्मोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा। अगर आज वो जसवाल होते तो आज वो वही पोजिशन लेते जो बाद में चाहे अम्बेडकर लिए होंगे या फिर गांधी लिए होंगे बहुत सारे इश्यूज पे, ये हो सकता है, संभव है जी। तो राहुल के साथ उनका जो संबंध था उस पे थोड़ा और बताएंगे कुछ, या हमारे पास कुछ लेटर्स वगैरह अगर है आपने जो कलेक्शन, बहुत आपने, वो आपने लेख पढ़ाई होगा, मुझे भी आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन वो लेख अवेलेबल है। तो उस लेख, अच्छा, वो लंबा लेख है, राहुल सांकीर्तन और काशी प्रसाद जसवाल एक राह के राही, इसी टाइटल से शायद। अच्छा अच्छा नहीं, एक तो आपने जैसे बोला जब वो तिब्बत जा रहे थे तो उस टाइम उनका फंडिंग वगैरह किया था, और असल में उसमें ये जो उनका जो तिब्बत यात्रा पे मेरा थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि मैं जहाँ से हूँ ना रतन जी, सिलीगुड़ी से, तो सिलीगुड़ी में जो CPIML का एक पुराना कॉमरेड हुआ करते थे जी, उनका नाम था कृष्ण भक्त पौड़ेल, वो ऐसे ही कॉन्टेस्ट करते थे चुनाव में, ये कानू सन्याल ग्रुप का आदमी थे वो, बहुत बुजुर्ग थे, तो तब मैं कॉलेज में था शायद, तो वो कॉन्टेस्ट करते थे हर बार और हर बार हार जाते थे। तो लोग कहते थे कि वो इसलिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कम से कम मतलब एक पार्टी है, पार्टी अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, बस इतना एक ये एस्टेब्लिश करने के लिए वो कॉन्टेस्ट करते थे। लेकिन उनका बारे में एक किस्सा था कि जब नक्सल आंदोलन हुआ 67-68, उसके बाद शायद 70s में, तो ये लोग तो कई लोग पैदल चल के जाते थे वहां माओ से मिलने, चाइना माओ से मिलने, तो कृष्ण भक्त पौड़ेल वाज वन ऑफ द नक्सल लीडर्स हु वेंट एंड मेट माओ, है ना। हाँ, तो ये पैदल गए थे तिब्बत वगैरह होके, तो सिलीगुड़ी में हम लोगों को वैसा कहानी सुनने को मिलता था, ये कृष्ण भक्त पौड़ेल पता है बहुत संकी बुड्ढा है, ये तो पैदल चल के चाइना जाके माओ से मिला है 60s में 70s में,
तो उसी श्रृंखला में दैट्स हाउ आई फर्स्ट हियर अबाउट राहुल संकेतन। तो किसी ने कहा कि ये तो राहुल संकेतन ने भी यही किया था। तो उनका जो तिब्बत यात्रा है, अब बहुत लोग मतलब उन्होंने उनको घुमक्कड़ शास्त्र उन्होंने लिखा है, वो बहुत ट्रैवल राइटिंग्स है, हिंदी में बहुत फेमस है, लेकिन बस एक ये तिब्बत यात्रा, और एक बार नहीं दो तीन बार शायद उन्होंने किया। और ये दो जो बार आपने दो हाँ बार और ये जो जहां आपने कहें हाँ दो बार शायद किया, ये जो कैमरा का जो जिक्र किया आपने, कैमरा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, चूंकि वो वहां जाके बुद्धिस्ट जो पांडुलिपि सब देख रहे थे तिब्बती में। हाँ तो जैसे एक उनका है कि नागार्जुन का मा, मा, वो ये वाला नागार्जुन नहीं, जो पुराना जो हाँ जो हाँ हिंदू बौद्ध संत थे, किताब छापी थी काशी प्रसाद जायसवाल के साथ, वो अच्छा तीन अच्छा तो किताबें एडिट की हैं उन्होंने। अच्छा 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 तो एक जो कृति था नागार्जुन का, वो विग्रह व्यावर्तनी करके हाँ, जो हाँ इंग्लिश में उसका ट्रांसलेटेड हुआ है, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट केपी किया है जायसवाल के साथ किए थे उन्होंने। ओ, ऐसा तो है, वो तीन हाँ तो वो किताबें, ट्रांसलेट हुआ था तीन किताबें उन्होंने। डिस्पेलर ऑफ, नहीं मैं ये बता देता हूँ, डिस्पेलर ऑफ डाउट्स करके वो ट्रांसलेट हुआ है नागार्जुन का हाँ, विग्रह व्यावर्तिनी करके। तो वो वाला जो टेक्स्ट है वो संस्कृत में इंडिया में अवेलेबल ही नहीं था, वो तिब्बत नहीं था भाषा में ट्रांसलेट होके वहां था। तो वो राहुल संकृतायन ने वो लेके आए, तो फिर वो फिर उन्होंने तिब्बती से संस्कृत में ट्रांसलेट किया, फिर संस्कृत से इंग्लिश फ्रेंच वगैरह में ट्रांसलेट हो गया, अभी पूरा दुनिया में लोग पढ़ते हैं, लेकिन राहुल संकेतायन ने उसको वहां से निकाल के लाया था। तो वो जी। कैमरा जो है, कैमरा जो बोल रहे थे, वो कैमरा से उसका ना कि एक एक जो पेज है उसका, वो फोटो खींचना था उसको, तो बढ़िया कैमरा चाहिए। तो आप बता रहे हैं कि वो जायसवाल ने फंड किया था, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे हाँ। नहीं, राहुल सांकृतायन और काशी प्रसाद, देखिए राहुल सांकृतायन काशी प्रसाद जायसवाल को अग्रज कहते थे, और काशी प्रसाद जायसवाल राहुल सांकृत को रहुलवा कहते थे। रहुलवा अच्छा छोटे भाई को प्यार से नहीं बोलते हैं, नाम हाँ आकार लगा। हाँ तो दोनों में उम्र में करीब 12 साल का अंतर था। काशी प्रसाद जायसवाल 1881 में उनका जन्म हुआ और 1893 में राहुल सांकेतायन का जन्म। तो 12 साल का गैप है, तो दोनों में बहुत मतलब क्लोज संबंध है। और राहुल सांकेतायन ने तीन लेख लिखे हैं काशी प्रसाद जायसवाल, राहुल वाङ्मय में वो तीनों लेख आपको मिल जाएंगे, और नहीं तो बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के जर्नल में भी वो लेख है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि राहुल सांकेतायन को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर देने वाले काशी प्रसाद जायसवाल। ओह अच्छा और आपको मैं आपको बता दूं कि जिस समय राहुल सांकेतायन पे शायद कोई लिख भी नहीं रहे होंगे, काशी प्रसाद जायसवाल ने 1937 में दो लेख लिखे थे मॉडर्न रिव्यू में। मॉडर्न रिव्यू किस तरह की पत्रिका थी आप जानते हो, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज पत्रिका बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल तो मॉडर्न रिव्यू में उन्होंने दो लेख लिखे राहुल सांकेतायन के ऊपर, और जहां तक मुझे ध्यान है कि सबसे पहला लेख वही होगा राहुल सांकेतायन पे, इतना गंभीर लेख। उसके पहले मुझे, मैंने कई हिंदी साहित्य में लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की यह जानने की कि राहुल सांकेत, बड़े बड़े प्रोफेसर से मैंने बात कि राहुल सांकेतायन पे पहला गंभीर लेख किसने लिखा, किसी के पास आइडिया नहीं। लेकिन वो दोनों लेख हमने छापे हैं, अच्छा उसका बात करके हिंदी वाले में भी डाल दिया और अंग्रेजी में अभी उनका छापूंगा बाद, कि उन्होंने वो पढ़ेंगे बहुत दिलचस्प है। इस लेख में मैंने जिक्र किया है जिस लेख की अब चर्चा कर। तो हाँ देखिए मैं बता रहा हूं राहुल और जायसवाल की मीटिंग कैसे हुई। वो पहली मुलाकात 1923-24 के आसपास हुई थी, जब बौद्धों का आंदोलन चल रहा था कि बोध गया का टेम्पल जो हिंदुओं से वापस लेना चाहिए। तो उस अच्छा समय हिंदू महासभा और कांग्रेस के इनिशिएटिव पे एक बोध गया टेम्पल इंक्वायरी कमेटी बनी, और उस इंक्वायरी कमेटी में राजेंद्र प्रसाद, काशी प्रसाद जायसवाल और राहुल सांकेतायन तीनों थे अच्छा जी। और उसकी सारी मीटिंग काशी प्रसाद जायसवाल के घर पे होती थी पटना में अच्छा जी। तो उस समय उनसे मिलना जुलना इनके हुआ था। जायसवाल से ही बहुत प्रभावित थे। जायसवाल वॉज ए काइंड ऑफ, मतलब जब रविन्द्रनाथ टैगोर को भी वो हड़का देते थे, सोच लीजिए इस लेवल के आदमी थे जायसवाल। अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर का फोन उन्होंने, नहीं एक बार बहुत दिनकर ने चर्चा किया है, बहुत चर्चित कहानी हाँ है। दिनकर वहां चित्रांगदा गए थे प्रस्तुत करने पटना में, चंदा वसूलने के लिए।
और जसवाल के यहाँ नहीं ठहरने गए, उन्होंने कहा कि ये बुढ़ा अपने आप को समझता क्या है, मैं भी जसवाल दी इंटरनेशनल हूँ, देश दुनिया के लोग मुझे जानते हैं मेरे घर, उस तरह के आदमी थे। अच्छा 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 लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, दिलचस्प है, जसवाल की जीवनी पढ़ने लायक है, मतलब तो पैराडॉक्स का। ये जो बोध गया कमिटी बोला आपने, हाँ, जी, तो इसका क्या मकसद था, कुछ पता चला इसके बारे में? कुछ उसका मकसद था इस इशू को रिजॉल्व करना, तो हाँ, वो रिपोर्ट बनाकर दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट कहाँ गया वो मुझे मिला नहीं, लेकिन ओ ये मुझे अच्छा अपने अच्छा अच्छा सुशोध में मिला कि इन तीनों लोगों की बनी थी, या सारे रिपोर्ट्स जायसवाल लिखते थे, बिकॉज ही वॉज लॉयर और इंग्लिश हाँ वगैरह उनका बढ़िया था, जाहिर है, मतलब बहुत के हाँ पढ़े इंग्लैंड, हाँ उन्हीं के घर पे मीटिंग होती। उसके बाद धीरे धीरे जो है ना राहुल उनके नजदीक गए, हाँ और एक दो चीज में फिर 30-31 में गए, और जो पढ़ेंगे आप राहुल के लेख को, मैं एक दो हाँ कोट करना चाहता हूँ जिससे आप राहुल सांकृतायन और जायसवाल के संबंध को आप समझ सकते हैं। दिलचस्प कोट है, दो ही कोट पढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव है, तो समय यहाँ कम है। बाकी वो जब मृत्यु होती है, जब जायसवाल डेथ करते हैं 1937 में, तब का उनका है, और उस पर टिप्पणी देखिएगा क्या है दिलचस्प। लिखते हैं राहुल सांकृतायन कि हाँ मित्र, हाँ बंधु, हाँ गुरु, अब तुम मना करने वाले नहीं, इसलिए हमें ऐसा संबोधन करने से कौन रोक सकता है? हो सकता है तुम कहते हमने भी तो आपसे सीखा है, किंतु तुम नहीं जानते कि मैंने कितना तुमसे सीखा है। राहुल सांकृतायन लिख रहे हैं, इतना जल्दी प्रयाण, इतना जल्दी मतलब मृत्यु, अभी तो अवसर आया था, अभी तो तुम्हारी सेवाओं की इस देश को बहुत जरूरत थी। आह, तभी आशाएं खाक में मिल गई। जायसवाल, ओ ऐसा दुनिया के लिए कुछ करना ही होगा, तुम्हारे बहुत से स्नेह भाजन थे, मैं भी उनमें से एक था, उनका घर इंटेलेक्चुअल सबका अड्डा होता था पटना, कि मैं भी उनमें से एक था। हर समय समय दूसरे के दिल के वियोग को दुख दुख को छिन भले ही करता जाएगा, किंतु स्मृति उस दिन पर दिन ताजा कराती जाएगी, भले ही दुख हम भूल जाए लेकिन स्मृति हर समय ताजा करेगा, मेमोरी। तुम्हारा वो सांगोपांग भारत का इतिहास तैयार करने और साम्यवाद के लिए मैदान में कूदने का ख्याल। अच्छा जायसवाल ने मॉडर्न रिव्यू में पेजेंट अपराइजिंग पे एक लेख लिखा था 36-35 में, उसी संदर्भ ओ में कह रहे, अच्छा 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 हाँ, साम्यवाद के लिए मैदान में कूदने का ख्याल। हाँ, वंचित श्रमिक वर्ग, सहृदय मानव, निर्भीक अप्रतिम मनीषी, दुनिया ने तुम्हारी कदर नहीं की। ओ अच्छा। उसपे एक विश्वनाथ त्रिपाठी ने, चूंकि एडिटोरियल नोट है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की जो टिप्पणी है वो भी दिलचस्प है। वो लिखते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी राहुल वांग्मय के एडिटोरियल में, कि समूचे राहुल वांग्मय में, पूरे राहुल वांग्मय में ऐसे भावुक उद्गार और किसी के प्रति नहीं मिलेंगे। राहुल की यह भावुकता सिर्फ जायसवाल के लिए है, या मार्क्स एंगल्स की कोटि की मित्रता है। मार्क्स एंगल्स, अच्छा इसे पढ़कर तथागत के वे शब्द याद आते हैं जो उन्होंने मौद्गलायन की मृत्यु पर कहे, भिक्षुओं मुझे आज यह परिषद शून्य सी लग रही है, शून्य है, एम्प्टी लग वाह रही है। ये राहुल और जायसवाल के संबंधों पे ये टिप्पणी है विश्वनाथ त्रिपाठी की। आप पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स, और मतलब बहुत सारी बातें हैं, ये तो कभी सेमिनार हुआ तो लंबी इस पे चर्चा की जा सकती है, और क्योंकि दोनों का इतना दिलचस्प है और दोनों का कैरेक्टर भी दिलचस्प है। लेकिन यह है कि राहुल पे चर्चा हुई और जायसवाल को लोगों ने वो पता नहीं कहाँ भुला दिया, तो ये एक त्रासदी है। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा काम करूं उनके ऊपर, और एक पहली मुलाकात के बारे में जो चर्चा राहुल सांकृतायन करते हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। राहुल ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा है, और जायसवाल ने जो लिखा है मॉडर्न रिव्यू में, पढ़िए, दिलचस्प है वो।
जायसवाल के बारे में लिखते हैं राहुल कि अपने दीर्घ जीवन यात्रा में मेरे स्नेह के पात्र बहुत, मेरे पूरे लाइफ लॉन्ग पूरा जो ट्रैवल है मेरा उसमें मेरे स्नेह के पात्र बहुत से हुए, पर जायसवाल जी बिल्कुल सहोदर थे, इनसेपरेबल, अभिन्न सहोदर। जब तक वह जीते रहे उनके साहचर्य का आनंद मुझे मिलता रहा। उनका घर मेरा अपना घर, उनका परिवार मेरा अपना परिवार, उन्हीं के घर पे ठहरते थे इनफैक्ट राहुल संकीर्तन, ये सब लोग जायसवाल के घर पे ठहरते थे, वहां खाना खाते थे, रहते थे, सिफारिश करवाते थे, पैसा भी मिलता था, सब काम वही होता। और जो जायसवाल ने लिखा है में जो लेख छपा है उन्होंने कहता है कि जो द्वंद मेरे अंदर था एक स्कॉलर बनने का और एक लीडर बनने का, वो द्वंद राहुल संकीर्तन में भी, वो राहुल संकीर्तन भी है। मैंने उसे मना कर दिया कि तुम पॉलिटिक्स छोड़ो और रिसर्च में आओ। अच्छा, मुझे कई बार मुझे यह ग्लानी होती है, अफसोस होता है कि इस देश का जो उदय हो रहा है उसमें एक और गांधी और जवाहरलाल नेहरू बनने से कहीं मैंने रोक तो नहीं दिया। ये जायसवाल ये लिखते हैं कि जमीनी हकीकत जो है, जो राहुल संकीर्तन के पास जमीनी और वैचारिक तो जो स्ट्रेंथ है, वो लिखते हैं कि गांधी से ज्यादा है, गांधी से ज्यादा है। ये एक उनका, जैसे जायसवाल में भी पैराडॉक्स है, रेवोल्यूशनरी थे, फिर वहां से चेंज किए, फिर बदले अपने आप को, और शायद वो द्वंद हम लोगों के बीच भी रहता है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल रीडिंग का, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री रीडिंग का एक फर्क होता है ना, जिस कैरेक्टर को पे आप काम करते हैं। गायब जैसे मैं अभी अंबेडकर नामा चला रहा हूँ, तो जब मैं गोल में सम्मेलन, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जब पूरा प्रोसीडिंग पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं मैं भी तो वहां नहीं हूं। तो धीरे धीरे वो उसको आत्मसात करने लगता है, उसमें जीने लगता है, पूरा कैरेक्टर में जीने लगता है। तो ये द्वंद काशी प्रसाद जायसवाल के साथ भी था, ये राहुल संकीर्तन के साथ भी था, लेकिन उनको एकेडमिक्स में खींचने वाला जो आदमी है ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। रिसर्च जो आपने तिब्बत एक्सपीडिशन और राइटिंग से जो बात की, एकेडमिक्स की ओर जो खींचा उनको, वो काशी प्रसाद जायसवाल ने खींचा। आप पॉलिटिक्स छोड़िए, और वो कहते हैं, लेकिन एक बात है कि जो तिब्बत से उन्होंने 50 किताबें उन्होंने लाई थी खच्चर पे लाद कर, वो कहते हैं कि राहुल ने जो है ना पूरा, मतलब कौन से युग का काम कर दिया है कि इतिहास उसको याद रखेगा, कि इसमें से एक किताब भी कोई खोज लेता, एक किताब, सही बात है, वो आदमी अमर हो जाता। सही बात है, सही बात है, सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उन्होंने लिखा है, और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि आदमी कितना अटैच्ड होगा राहुल संकीर्तन से। राहुल संकीर्तन ब्राह्मण थे, काशी प्रसाद जायसवाल बैकवर्ड थे, तलवार थे, ठीक है। तो जायसवाल को तो जातिवाद का भी झगड़ा करना होता था ना, उनको रामचंद्र शुक्ल से लड़ाई थी, पटना के ब्राह्मणों से लड़ाई थी, लेकिन ही वॉज क्वाइट ओपन, बहुत ही हार्ड उनका जो है, सारे छात्रों को मदद करते थे। एक विज्ञान मारतंड की कहानी राहुल संकीर्तन ने भी जिक्र किया है और दिनकर ने भी जिक्र किया है कि वो आए जायसवाल के घर पे ठहरे हुए थे राहुल संकीर्तन, और वो बच्चा आया कोई पढ़ने पे, बातचीत करने लगा कि हमको पढ़ना है, हमको ज्यादा पढ़ना है। तो राहुल संकीर्तन से बातचीत चल रही है और इधर काशी प्रसाद जायसवाल अपना कोर्ट कचहरी का कागज देख रहे थे, लेकिन उनका मन जो है कचहरी के कागज में नहीं लग रहा था, उनका मन इधर बौद्ध लिटरेचर जो चर्चा चल रही थी उसमें ज्यादा लगा हुआ था। उन्होंने काम छोड़ा, फिर उस चर्चा में शामिल हो, और उस बच्चे को लंका भेजने का सारा खर्चा उन्होंने दिया आने जाने। अच्छा, उनका नाम था विज्ञान मारतंड। अच्छा जी, तो वो श्रीलंका जा रहे थे, उन्होंने श्रीलंका भेजा उनको, बाद विज्ञान मारतंड बड़े विद्वान हुए, उनको अच्छा। भेजने वाला आदमी काशी प्रसाद जायसवाल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनकी कुछ कोई प्रैक्टिस बहुत थी ना, इनकम टैक्स के लॉयर थे, और वो प्रिवी काउंसिल में भी जाते थे, बहुत रिनाउंड लॉयर थे। वो जमींदारों के खिलाफ उन्होंने लेख लिखा तो जमींदारों ने उनको धमकी दिया कि मैं बायकॉट कर दूंगा। अच्छा, उन्होंने
उलट के लिखा कि तुम क्या बायकॉट करोगे, हम ही बायकॉट कर देंगे, हम आपके भरोसे यहाँ नहीं बैठे होंगे। उस तरह का मतलब पूरा एक देखिए हिस्ट्री हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन टू बी री रिटन, ये बार बार वो चलता रहेगा वो सब। लेकिन इंटेलेक्चुअल का रीडिंग जो है हमारे यहाँ शायद वो परंपरा कम है कि इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर काम किया जाए। बहुत सारे राइटिंग से मैंने मतलब अंडरस्टैंडिंग को लेकर हमने थोड़ा सवाल उठाए हैं अपनी किताब में, ये कैसे वो जनरलाइजेशन कर रहे हैं, स्वीप जनरलाइजेशन करते जा रहे हैं, है ना, वैदिक साइंस की बात कर रहे हैं, हिंदू ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तमाम वो बात कर रहे हैं, वो सारा क्रिटिक है। लेकिन कोई भी हिस्ट्री इज नॉट एब्सोल्यूट हिस्ट्री, हिस्ट्री इज नॉट विद कैपिटल एच, है ना, हर समय हिस्ट्री का डायनेमिक्स बदलता है, उसका जो जो पूरा डोमेन है वो चेंज होता है, लेकिन स्कॉलर्स के ऊपर काम किए जाने थे। वो पता नहीं काशी प्रसाद जायसवाल को जब मैं देखता, 56 साल तो जिंदा ही रहे वो, 20 साल उन्होंने काम किया और 20 साल में 10 से 12 किताबें मोनोमेंटल किताबें लिखी और एडिट की और 200 से ज्यादा आर्टिकल उन्होंने पब्लिश किए जो मॉडर्न रिव्यू में, बिहार और उस समय के लीडिंग जितने जर्नल थे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, चाहे मॉडर्न रिव्यू हो, इंडियन एंटीक्वेरी हो, चाहे जितने रिनाउंड आप जर्नल का नाम ले लीजिए, ओरिएंटल भंडारकर जो सीरीज वहां से, ही वॉज ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के वो अध्यक्ष थे बड़ौदा में जो हुआ, हिंदी साहित्य के ऊपर गांधी के साथ भाषण दिया, बड़े आदमी थे वो, 20-22 साल में ही आदमी 8 भाषा सीख गया, लिखा तो कम से कम उस आदमी के स्कॉलरशिप को तो ऑनर करना चाहिए। भले हम किताब आपके पीछे ला के रख दें, 6 किताबें मैंने, एक किताब और मैं दिखाता हूँ, इस किताब में लिखा है जितने जायसवाल के ऊपर जितने लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद हो, राउत संकीर्तन हो, दिनकर हो, हिस्टोरियंस हो बात के, उन सारे आर्टिकल्स का हिंदी और अंग्रेजी दोनों आर्टिकल्स का इसमें कलेक्शन। ओ अच्छा 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 कब छपा था ये? कितना पहले छपा? अभी 1-2 साल पहले छपा है। 5 किताबें ये देख लीजिए, 5 किताबें उन पे मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ये 5। तीन खंड में उनके हिंदी राइटिंग का कलेक्शन है, एक उनके ऊपर जो लिखा गया वो है, और एक जो मेरी थीसिस थी ये आकार से छपी है, और बाकी 4 संस्था साहित्य मंडल से छपी है। ये 5 है। और एक उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था वो उनके जीवन काल, उनके बाद में उनके मृत्यु के बाद वो प्रकाशित हुआ अंधकार इवन भारत से, 40 के दशक में रामस्वरूप वर्मा ने अनुवाद किया था, उनके उनके समय ही शुरू हो गया, लेकिन 37 में डेथ हो गया। तो इस किताब को मैंने रीप्रिंट किया है विद इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल इंट्रोडक्शन। ओ सही है। अब हिंदू पॉलिटी का जो हिंदू राजतंत्र है वो प्रेस में है, वो भी क्रिटिकल इंट्रोडक्शन के साथ पब्लिश करूंगा, संस्था साहित्य मंडल को छाप रहा है। और इस राइटिंग जो उसने की है डिफरेंट पॉइंट्स पे, न्यूमिस्मेटिक्स पे, स्कल्पचर पे, एपिग्राफी पे, खारवेला इंस्क्रिप्शन उन्होंने डिसाइफर किया था। अच्छा, का खारवेला इंस्क्रिप्शन 10 साल उन्होंने जाके उन्होंने स्पॉट वहां रिसर्च किया। इंग्लिश राइटिंग का जो कलेक्शन है अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, इसको कम से कम 7-8 वॉल्यूम बनेगा, 7-8 वॉल्यूम उनकी इंग्लिश राइटिंग का पब्लिकेशन छापू, देखते कौन पब्लिशर मिलता है, कोई छापता भी है कि नहीं छापता है। तो ये इनका जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह कहाँ रखा हुआ है, कहीं पे कलेक्शन रखा हुआ है उनका, उनका फैमिली? वो मैंने किया ना एक्चुअली सारा, इट वॉज स्कैटर्ड, मतलब मैंने दिल्ली, मैंने कहाँ कहाँ से ढूंढा, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, BHU, बनारस, पटना, गया, भोपाल। ये तो पटना में म्यूजियम जो बताते हैं KP जायसवाल म्यूजियम, उधर कभी गए क्या है वो? हम भी सोच रहे थे एक बार कि जाएंगे वहां पे, लेकिन कांटेक्ट ही नहीं मिल रहा है कुछ। नहीं, जाकर देखिए, KP जायसवाल का वैसा ही घर मिर्जापुर में था, वो मिर्जापुर के रहने वाले। हाँ, डिजाइन तैयार करने पटना में वो जो म्यूजियम बनाया ना, KP जायसवाल वाज वन ऑफ द डिजाइनर्स ऑफ दैट म्यूजियम, उस कमेटी में थे। तो उनका घर, उनके पुराने घर में गया हूँ रिसर्च के दौरान, तो उनकी हवेली मिर्जापुर में उसी तरीके थी, वो मुगल राजपूत स्टाइल में बना हुआ है पूरा। अच्छा, लंबे, जब से पटना म्यूजियम शुरू हुआ तब से लेकर और अपने डेथ तक वो पटना म्यूजियम से अटैच्ड रहे। अच्छा 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 तब से लंबे समय तक वो प्रेसिडेंट भी रहे, 10 साल तक। अच्छा,
तो ये जो राहुल संकृतायन जो उधर तिब्बत से जो पांडुलिपि सब लेके आए किताब सब, वो भी तो कहीं रखा हुआ है ना, वो भी तो पटना में रखा हुआ है। वो रखा हुआ है, मैं बताता हूँ, वो जगह आपको मिलेगा उसी म्यूजियम में। पीछे जब जाएंगे ना तो काशी प्रसाद जायसवाल ने उसी समय सारे को कैटलॉगिंग करा के और जनरल ऑफ बिहार एंड उड़ीसा सोसाइटी में सारे का लिस्ट उन्होंने छापा था कि क्या क्या मटेरियल राहुल संकृतायन लेकर आए और उसको वहीं प्रिजर्व किया था। तो अभी अच्छा, जाएंगे तो वहां पे काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक तरफ और दूसरे तरफ बिहार रिसर्च सोसाइटी है। जिस कुर्सी में बैठ के वो काशी प्रसाद जायसवाल लिखते थे ना, वो कुर्सी भी अभी, टेबल भी अभी वही है। अच्छा, तो वहां पे सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अच्छा। तो रतन जी, आप तो डीयू में पढ़ाते हैं हिस्ट्री, तो सिलेबस के अंदर में आपको चांस मिलता है केपी जायसवाल या राहुल संकृतायन पे बच्चों को पढ़ाने का, तो कुछ मौका मिलता है ऐसा? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ। एंशिएंट इंडिया में जब हिस्टोरियोग्राफी बात करते हैं तब हिस्टोरियोग्राफी में तो सब बात करना पड़ता है ना, कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, नेशनल हिस्टोरियोग्राफी, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न, सब बात करना। उस दरमियान हम काशी प्रसाद जायसवाल पे जिक्र जरूर करते हैं। लेकिन कोर्स में रखा है कि नहीं, वो सिलेबस में डाला है? कहीं नहीं है, आपको कह रहे हैं राष्ट्रवादी सरकार है, ये भी कुछ काम नहीं कर रही है। अच्छा। जबकि काशी प्रसाद जायसवाल भी ओबीसी थे, प्रधानमंत्री भी ओबीसी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो जबकि मंत्री लोग नाम लेता है, अरे स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, अरे काशी प्रसाद जायसवाल बड़े इतिहासकार थे, लेकिन चूंकि कलवार थे जाति से, अच्छा, जाती के थे, तो उनको, चूंकि मैंने रिसर्च की है, वो सबसे किसी से लिखवा सकता है, मेरे से लिखवाने में भी उनको प्रॉब्लम है। सही बात है, तो ये लीला, इसी को मैं कहता हूँ लीला। नहीं, लीला है। और मैं भी जब गूगल में थोड़ा सर्च कर रहा था ना, केपी जायसवाल पे देख रहा था, तो एक मुझे मिला कि कोई जायसवाल समाज है, तो जायसवाल समाज ने सरकार को या किसी ऑथोरिटी को प्रतिवेदन दिया है कि केपी जायसवाल को भारत रत्न दिया जाए। ये हाँ, वो कलकत्ता का संगठन है। अच्छा। काली प्रसाद जायसवाल नाम होगा उस आदमी का, ऐसे कुछ था। तो तो फिर वो अलग एक कहा उनसे, एक... मैं लोग मुझे बहुत, भारत के बहुत सारे जायसवाल लोग जानते हैं मुझे। और उसमें, अच्छा, हाँ, सब मुझे रतनलाल जायसवाल कहते थे, उनको लगता था मैं भी जायसवाल। अच्छा। असम के जायसवाल महासभा ने मुझे बुलाया था भाषण देने, तिनसुकिया में। अच्छा। जायसवाल पे उसमें से 95% से ज्यादा लोग उसमें संघीय भाजपा के समर्थक। वो हम, मुझे लगा वैसे ही, क्योंकि ये मोदी का सरकार आने के बाद ये भारत रत्न वाला ये लोग प्रतिवेदन दिए हैं। लेकिन हमने कहा कि भारत रत्न तो बाद में मांग लेना, पहले दो चार किताबी छपवा लो काशी प्रसाद जायसवाल का। हाँ, और क्या, और क्या, और क्या। अरे तो, बहुत ये बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा रतन जी, और थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब आप क्या, मतलब एक्टिविस्ट लोगों को, जैसे आप और हम एक्टिविस्ट के तौर पे मिले हैं, तो एक्टिविस्ट लोगों को अपना एकेडमिक काम बिल्कुल नहीं बताते हैं क्या? नहीं, आप पूछ रहे हैं तो और बता दे रहा हूँ। अभी तो ये तो मेरा रिसर्च का बुक है, इसके अलावा मैंने तीन किताबें और हैं। एक लिखा है, सबसे पहली थी और कितने रोहित, जब रोहित मुला के टाइम पे, वो एक्टिविज्म है पूरा। वो तो पता है, वो पता है मुझे, वो वाला तो पता है मुझे कि आपने रोहित मुला पे लिखा है। उसके बाद अरुंधति रॉय किताब द डॉक्टर एंड द सेंट का हिंदी अनुवाद भी है, ये भी मैंने कहीं कहीं देखा है, किसी ने बोला था, ये भी रेडार में है। और एक जो है वंचित भारत, संसद सवाल और संघर्ष, अभी आया है। ये देखिए, ये तीनों कहीं ना कहीं मैंने देखा सुना है। ये केपी, आपका मूल जो एकेडमिक काम है वो इधर पता ही नहीं था मुझे, बताइए। ये जो एक डिवीजन है, एक एक्टिविस्ट लाइफ और एकेडमिक लाइफ में भी एक डिवीजन है रतन जी, जो जैसे आपने एक बार अभी पहले बताया ना कि इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को हम लोग सीरियसली नहीं लेते इंडिया में, है ना, कि इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी को सीरियसली नहीं लेते हैं, उसी ढंग से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं और बहुत सारे अपने लेवल पे अपना वो एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं, तो एकेडमिक रिसर्च और एक्टिविस्ट लाइफ एक अलग अलग हो गया है कहीं ना कहीं, है ना। नहीं, मैं सरोज भाई, मैं वैसा नहीं समझता, और
मैं समझता हूँ कि मेरी राइटिंग्स में जो धार आता है ना, जो मेरी समझ में, वो मेरी एक्टिविज्म से की वजह से आता है। हमारा लैब सोसाइटी नहीं वो तो और है, वो है, लेकिन हम उसको उसको लेके एक दूसरे का क्या काम है वो, आप एकेडमिकली आप तो पर्सनल लेवल पे ले रहे हैं, मेरा भी बात सही बोल रहे हैं आप, मेरा भी वो लागू होता है, जो मैं एकेडमिक्स में जो काम करता हूँ वो एक्टिविज्म या जो मेरा लार्जर जो पॉलिटिकल जो एक गोल है वो कहीं ना कहीं उस पर जुड़ा रहता है। लेकिन हम कहाँ ऐसा मौका पाते हैं, ये तो थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू लॉकडाउन कि हम ऐसा आराम से बैठ के ये कर पा रहे हैं बातचीत, समझ रहे हैं ना। नहीं, वो एक्चुअली अभी दो किताबें मेरी प्रेस में हैं। हाँ एक मैंने शरद यादव का पार्लियामेंट्री स्पीचेस एडिट किया है, हाँ तो वो भी प्रेस में है। और एक काशी प्रसाद जायसवाल का हिंदू राजतंत्र, हिंदू पॉलिटी का, जो उसका पब्लिश करेंगे अभी सस्ता साहित्य। दो किताबें अभी प्रेस में। और अच्छा अच्छा जनरली एक्चुअली आप यूनिवर्सिटी सर्किल में जब घूमे, मैं यूनिवर्सिटी कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में, मैं 93 से 94 से हूँ इधर कैंपस में। तो मेरा जो एक कैरेक्टर है ना, वो हर समय एक्टिविस्ट की तरह रहा है, वो लड़ने वाला लड़ाका, हर मुद्दे धरना पे भाषण देने वाला। तो अभी भी किसी को बोले हैं कि रतन की 10 किताबें पब्लिश हैं, 6 एडिट किया है, 3 लिखा है, और ऐसे बोलेंगे एक ट्रांसलेट किया है, कि 10 किताबें पब्लिश है, तो उसको शायद थोड़ा अटपटा लगे, हाँ क्योंकि सही हर बात, समय उसका जो एक जहन में एक जो कैरेक्टर बना हुआ है ना, एक कैरेक्टर, एक इमेज, इमेज बना हुआ है। हाँ, हाँ इमेज जो बना हुआ है कि नहीं, ये एक्टिविस्ट है, भाषण देगा, ये पॉलिटिक्स करेगा, हाँ एग्जैक्टली करेगा। एग्जैक्टली लेकिन जो लोग प्योर एकेडमिक्स अपने आप को कहते हैं, मैं तो कहता हूँ अपना भी थोड़ा सा दिखा दो डिटेल्स भाई, कितना कितना काम हाँ एग्जैक्टली किया। और ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं, ऑल रिसर्च बुक, ये कोई रिसर्च स्कूल बुक, कॉलेज की रिसर्च किताब बुक। नहीं है। और ये है हाँ कि इसी में टाइम निकालते हैं, सुबह कई बार 4 बजे उठिए, 8 बजे तक काम कीजिए, फिर 9 बजे कॉलेज निकलिए, यही चलता रहता है। नहीं, ये सही बात। अच्छा एक चीज और मुझे एक्चुअली याद आ रहा है अभी, आप एक्टिविस्ट का बात कर रहे हैं, जब मैं सहारनपुर गया था तो उस टाइम हमारा जो चंद्रशेखर रिलीज हुए थे जेल से, तो मैं वहाँ वेट कर रहा था, क्योंकि वो रिलीज हुआ था 2-3 दिन, तो बहुत वहाँ पे लंबा कतार लगता था, लोग मिलना चाहते थे चंद्रशेखर से, हमारा भीम आर्मी का चंद्रशेखर का बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे मैं बैठा था, तो एक ऐसा गोल छतरी सा है ना चंद्रशेखर के घर में, तो उसके नीचे बैठा था, तो वहाँ एक सज्जन आए जो वहीं पे उसी सहारनपुर एरिया से थे, तो वो बोले कि मैं इतिहासकार हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, किसी ने बोल दिया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो उस सज्जन से मैंने बात किया, वो हिस्टोरियन है, वो कोई स्कूल में टीचर है, प्राइमरी स्कूल में अच्छा टीचर है वो, तो वो चमार समाज का इतिहास लिखते हैं वो, अब देखिए। हाँ और चमार समाज का जो इतिहास है, जो सहारनपुर, जो यूपी का उस बेल्ट का जो लोकल हिस्ट्री जो है, उस पे उनका बड़ा पकड़ है, और उनसे मैंने बात करने लगा तो वो तो पूरा बताने लगे, और वो भी चंद्रशेखर से मिलने चाहते थे वो, और तो अपना किताब लेके आए थे गिफ्ट करने के लिए। तो एक तरह का मैं देखता हूँ, जब भी हम एक्टिविस्ट लेवल पे जब हम लोग जाते हैं, मैं जब गुजरात गया था, ये जो आज़ादी कुछ जब ये जिग्नेश मेवानी ने भी ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ भी गुजरात, नॉर्थ गुजरात में गए, बनासकांठा एरिया में गए, तो वहाँ भी इस ढंग से लोकल लोग, जो लोग बिल्कुल ही लोकल लेवल पे यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनिक लेवल पे वो अपना एक इतिहास लिख रहा है, अपना समाज का लिख रहा है, जो या लोकल वहाँ पे जो डेटीज है, लोकल जो वहाँ पे जो कोई राजा होगा या आदिवासी का कोई राजा प्रजा रहा हुआ होगा वहाँ पे, या पिछले जाति से कोई रहे हैं, तो उनका इतिहास वो अपना लोकल लेवल पे लिख रहे हैं। तो जायसवाल तो थोड़े बड़े लेवल पे हुए, राहुल संकेतन भी उस हिसाब से बड़े लेवल पे हुए, लेकिन हमारे देश में मैं देखता हूँ ऐसा छोटा छोटा लेवल पे, लोकल लेवल पे एक इतिहास चलता है, और वो जो उस कम्युनिटी का, खासकर बैकवर्ड कास्ट दलित कम्युनिटी का जो एक अस्मिता का जो सवाल है, उसका जो डिग्निटी का जो सवाल है, उस पे जो इतिहास लिखते हैं, कि वो भी अपना दिखाना चाहता है कि ग्रेट चमार करके जो पूरा एक थिंकिंग जो निकल के आता है, कि भाई चमारों का भी अपना इतिहास था, या महार कम्युनिटी का भी एक अपना इतिहास है, तो इस ढंग का लोकल हिस्ट्री पे आपने कभी कुछ गौर किया, चूंकि आप हिस्टोरियन भी है और जायसवाल पे आपने रिसर्च किया है, तो कुछ इस पे बोलना चाहेंगे, चूंकि मुझे तो लगता है कि उस पे कुछ चीज है जो हम लोगों को परखना चाहिए। कि हमारे यहाँ तो ओरल हिस्ट्री राइटिंग का भी ट्रेडिशन है ना। आप हाँ वेद हाँ से ही लेंगे तो बार्ड्स का ट्रेडिशन रहा है, तो हाँ
वो एक प्रिजर्वेशन का अपना प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन हाँ होता क्या है ना, यहाँ मठाधीश का बहुत चलता है। हाँ जब हम ही लोग को यहाँ नहीं सुन रहा है पूछ रहा है, तो वहाँ लोकल कौन किसको सुनेगा पूछेगा। तो हाँ हाँ हिस्ट्री तो ओरल ट्रेडिशन में वो कैरी होता रहता है और लोग अपने हिसाब से प्रिजर्व करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन सब चीजों को इकट्ठा करके एक पूरा एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन की तरह उसपे एक साइंटिफिक बहस होनी चाहिए कि उन लोगों को वो स्पेस नहीं मिलता है, और मिलता नहीं है, जानबूझ के नहीं दिया जाता है। जब आप देख रहे हैं मैं कैंपस में बैठा हुआ नेशनलिस्ट हिस्टोरियन के ऊपर, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किताब मिल जाएगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किताब है, यहाँ पे चर्चा नहीं होगी, भारत हाँ ये भी में है, इस ये पे भी चर्चा है, नहीं होगी। ये भी है, ये भी है। ये सवाल मैंने जसवाल के संदर्भ में भी उठाया है कि राहुल तो वो तो पद्मश्री मिल गया और साहित्य अकेडमी से किताबें मिल गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जसवाल को इतिहास के पन्ने में धकेल दिया। अभी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किताब छापी है कल्चरल नेशनलिज्म राहुल के ऊपर, चुड़ियाल क्या हाँ नाम है, हाँ देखा हाँ आपने सुना किताब। है, हाँ मैंने उसमें सुना मैं है खुद इसके बारे में। किताब में तलाश रहा था, एंड यू कैन नॉट इमेजिन, काशी प्रसाद जसवाल सिर्फ दो जगह फुट नोट्स में मिले मुझे, अच्छा, जबकि जो बात मैं जिक्र कर रहा हूँ राहुल के बारे में, जसवाल ने जो लिखा था, वो कहीं चर्चा ही नहीं। ऑक्सफोर्ड से किताब छपी है, तो ये लीला समझना पड़ेगा, सब जनऊ लीला के चक्कर में फंसा रहता है, यही चक्कर है। ठीक बढ़िया, ठीक है। तो रतन जी, बहुत अच्छा है, लगा थैंक आपसे बात यू करके, सर, और ये जायसवाल राहुल संकेतन ये वाला प्रोजेक्ट को और आगे लेके जाएंगे हम लोग मिलके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सर, और आज का बहस यहीं रखते हैं। हम आप करते हैं, ठीक हाँ धन्यवाद, हाँ है, जी, ओके, बाय बाय। ओके, बाय 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 बाय।